बच्चों, पिछले वीडियो में कंकाल स्केलेटन को देखकर डर तो नहीं लगा था? इससे ही हमें हमारे शरीर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। लेट अस स्टडी मोर अबाउट द स्केलेटन। आइए कंकाल का और अध्ययन करें। आस्क योर फ्रेंड टू टच हिज टोज विदाउट बेंडिंग हिज नीज। अपने मित्र को बिना घुटने मोड़े झुककर अपने पांव की अंगुलियां छूने को कहिए। स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक, मूव योर फिंगर्स डाउनवर्ड्स ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड। गर्दन से शुरू करके उसकी पीठ पर नीचे की ओर अपना हाथ लाइए। फील सम लॉन्ग एंड हार्ड स्ट्रक्चर ऑन द बैक। आपके द्वारा अनुभव की गई संरचना मेरुदंड है। व्हाट यू फील इज बैकबोन। इट इज मेड ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स। यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना है। द रिब केज इज जॉइंट टू दीज बोन्स। पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन्हीं अस्थियों से जुड़ा हुआ है। नाउ आस्क योर फ्रेंड टू स्टैंड विद हिज हैंड्स प्रेस्ड टू अ वॉल। अब अपने मित्र को खड़े होकर हाथों से किसी दीवार को धक्का लगाने के लिए कहिए। आस्क हिम टू एंड ट्राई टू पुश द वॉल। यू सी टू बोन्स स्टैंडिंग वेयर हिज शोल्डर्स आर। दे आर कॉल्ड शोल्डर बोन्स। आपको उसके कंधों के समीप दो उभरी हुई अस्थियां दिखाई देती हैं, हड्डियां दिखाई देती हैं। इन्हें कंधे की अस्थियां कहते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ पेल्विक बोन्स। यह संरचना श्रोणि अस्थियां हैं। दे एनक्लोज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टमक, जो आपके आमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है। दिस इज द पार्ट यू सिट ऑन। ये कुल्हे वाला हिस्सा है जिसके सहारे आप बैठते हैं। द स्कल इज मेड ऑफ मैनी बोन्स ज्वाइंट टूगेदर। हमारी खोपड़ियाँ अनेक हड्डियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनी है। इट एनक्लोजिज एंड प्रोटेक्ट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड दैट इज द ब्रेन। यह हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क की सुरक्षा करती है, उसे घेरे हुए रखती है। देयर आर सम एडिशनल पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन दैट आर नॉट एज हार्ड एज द बोन्स एंड विच कैन बी बेंट। दीज आर कॉल्ड कार्टिलेज। इसके अतिरिक्त भी हमारे कंकाल में और भी भाग होते हैं जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते हैं, जिन्हें आसानी से मोड़ा जा सकता है। उन्हें हम उपास्थि कहते हैं। फील योर ईयर। देयर डू नॉट सीम टू बी एनी बोन्स हेयर। अपने कान को स्पर्श कीजिए। आप किसी भी कठोर अस्थि को यहाँ महसूस नहीं करेंगे। यू डू फील समथिंग इन द अपर पार्ट्स ऑफ द ईयर दैट इज नॉट एज सॉफ्ट एज द ईयर लोब। आपको अंगुलियों के बीच दबाने पर कर्णपाली और इसके ऊपर के हिस्से में अंतर पता लगता है। ऐसा लगता है कि कान का ऊपरी भाग उतना लचीला नहीं है जितनी कि हमारी कर्णपाली, परंतु यह हड्डी जैसा कठोर भी नहीं है। ये उपास्थि है। बट नॉट एज हार्ड एज ए बोन। दिस इज कार्टिलेज। शरीर की संधियों में भी उपास्थि पाई जाती है। कार्टिलेज इज आल्सो फाउंड इन जॉइंट्स ऑफ आर बॉडी। वी हैव सीन दैट आर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स जॉइंट्स एंड कार्टिलेज। बच्चों, हमने देखा कि मानव कंकाल अनेक हड्डियों, संधियों और उपास्थियों से मिलकर बना होता है। यू कुड सी बेंड एंड मूव मैनी ऑफ देम। आप उनमें से बहुत सारों को तो देख सकते हैं, मोड़ सकते हैं और गति भी दे सकते हैं। ड्रॉ अ नीट फिगर ऑफ द स्केलेटन इन योर नोटबुक। अपनी कॉपी में कंकाल का स्वच्छ सा चित्र बनाएं। स्टूडेंट्स, मेक अ फिस्ट विद वन हैंड। बच्चों, एक हाथ की मुट्ठी बनाइए। बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड टच योर शोल्डर विद द थंब। और मुट्ठी के अंगूठे से इसी बाजू के कंधे को छूने का प्रयास करें। क्या आप अपनी ऊपरी भुजा में कुछ परिवर्तन देखते हैं? आपको कोई उभरा हुआ भाग दिखाई दे रहा है?
यू फील अ स्वॉलन रीजन इनसाइड योर अपर आर्म, इसे पेशी कहते हैं. दिस इज अ मसल, द मसल बर्ल्स ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, संकुचित होने के कारण पेशियाँ उभर आती हैं. यू कैन ऑब्जर्व सिमिलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन योर लेग व्हेन यू वॉक और रन, चलते या भागते समय आप अपने पैरों की पेशियों में भी इसी प्रकार का संकुचन देख सकते हैं. व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड द मसल बिकम्स शॉर्टर, स्टिफर एंड थिकर, इट पुल्स द बोन. संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर और मोटी हो जाती है और यह हड्डी को खींचती है. किसी हड्डी को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों की साथ में जरूरत होती है. चिल्ड्रन मसल्स वर्क इन पेयर्स, व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट्स द बोन इज पुल्ड इन दैट डायरेक्शन, द अदर मसल ऑफ द पेयर रिलैक्सेस. दो पेशियों में से जब एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खिंच जाती है और उसकी जोड़ीदार दूसरी पेशी शिथिल यानी रिलैक्स हो जाती है. टू मूव द बोन इन द अपोजिट डायरेक्शन द रिलैक्स्ड मसल कॉन्ट्रैक्ट्स टू पुल द बोन टुवार्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजिशन व्हाइल द फर्स्ट रिलैक्सेस. अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को पूर्व स्थिति में खींचती है जबकि पहले वाली पेशी अब शिथिल हो जाती है. अ मसल कैन ओनली पुल, इट कैन नॉट पुश. आपको बता दें कि पेशी सिर्फ खींच सकती है, धक्का नहीं दे सकती है. दस टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन, इसलिए एक अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियों को एक साथ कार्य करना होता है. एक खींचती है तो दूसरी रिलैक्स रहती है, जब दूसरी खींचती है तो पहले वाली रिलैक्स रहती है. आर मसल्स एंड बोन्स ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट, क्या गति के लिए हमेशा अस्थियों एवं पेशियों की जरूरत होती है? देन हाउ डू अदर एनिमल्स मूव, तब दूसरे जंतु किस प्रकार चलते हैं? डू ऑल एनिमल्स हैव बोन्स, क्या सभी जंतुओं में अस्थियाँ पाई जाती हैं? वट अबाउट एन अर्थ वॉर्म और स्नेल, केंचुए अथवा घोंगे में क्या होता है? लेट अस स्टडी द मैनर ऑफ मूवमेंट ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स इन आर टुमारोज वीडियो, आइए इन जंतुओं की गतियों का अध्ययन हम कल के वीडियो में करेंगे.